उज्जैन के समीप बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर शुक्रवार को देर शाम इंदौर की युवती ने महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है, जहां पीड़िता के अनुसार शादी का झांसा देकर करण मोरवाल ने कई बार उसका शोषण किया है। जानकारी के अनुसार युवती कुछ दिनों पहले ही डीआईजी मनीष कपूरिया से शिकायत दर्ज कर चुकी थी। पीड़िता ने बताया कि कुछ महीनों पहले करण भवरकुआ के किसी होटल में लेकर गया था, जो हर बार शादी का झांसा देता रहा और कई बार दुष्कर्म करता रहा। युवती पुलिस से शिकायत भी करना चाहती थी, लेकिन करण उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। थाना प्रभारी ज्योति शर्मा और टीआई के मुताबिक पीड़िता केट रोड पर कुछ वर्षों पहले करण से संपर्क में आई थी, जहां उसे शादी का झांसा दिया गया था। वहीं कल शाम को महिला थाने में कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल एक फरियादी आई, पीड़िता आई, और उसके द्वारा बताया गया कि करण मोरवाल करके जो है उज्जैन के निवासी हैं, बड़नगर उज्जैन के, उनके द्वारा शादी का झांसा देकर उनके साथ बलात्कार किया गया है। तो उस पर से उससे काफ़ी डिटेल बात हुई, तो उन्होंने बताई और हम लोगों ने फिर वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी मिलाकर FIR करी है, 376 IPC की FIR की है। अपराधी का किस प्रकार का बैकग्राउंड है? हाँ, वो करण मोरवाल कांग्रेस में भी कुछ हैं और उनके फादर अभी एक्टिंग MLA हैं। कौन फरियादी कौन है? फरियादी तो एक महिला है, 23-24 साल की, इंदौर की। हाँ, इंदौरी रहती है।